प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में ट्रेनिंग और एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी ट्रेनिंग देता है। मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक जनरल टॉपिक है, ये रियल एस्टेट को हटके, रियल एस्टेट से हटके है, पेरेंट्स, सोसाइटी एंड किड्स, माँ बाप, समाज और बच्चे, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मैंने नीचे लिखा है माँ बाप और समाज बच्चों के पतन का कारण। बच्चों को ऊपर ले जाने की बजाय इनका ज़्यादा रोल जो है वो नीचे आ रहा है। क्यों, इसका हमें किस तरीके से इससे बचना है ताकि हमारे बच्चे अप टू मार्क जा सकें। सो सबसे पहले मैंने इसमें 10 पॉइंट लिखे हैं। एक, ये दो है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से सुनने हैं एज ए पेरेंट्स भी या एज ए यूथ भी। यदि आप नौजवान हो तो भी सुनने हैं और यदि आप पेरेंट्स हो तो भी सुनने हैं। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा है अनड्यू प्रेशर फॉर सिक्योरिंग हाई रैंक्स। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लगाते हो आप, तो आपको बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा हमारा 95% नंबर लाए, 99% नंबर लाए, इससे भी ज़्यादा लाए। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है प्रेशर झेलता है, उससे बड़ा होता है तो फिर बच्चे माँ बाप अपने अनुसार ये चाहते हैं कि बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़े, डॉक्टरी करे, साइंस ले, मैथ ले या दूसरा। बच्चे का ध्यान कभी आपने बच्चों को पूछा कि आपका इंटरेस्ट की चीज़ में है? यदि बच्चे का इंटरेस्ट अच्छी चीज़ में होगा तो वो वहाँ रिज़ल्ट भी वो बढ़िया दे देगा, और यदि रिज़ल्ट बढ़िया लेना है तो बच्चे को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पीछे बैठ के आप देखो कि ये जो आपका बच्चे रूपी घोड़ा है ये ठीक डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। यदि जा रहा है तो पीछे बैठ के देख के उसको हमें अलाइनमेंट उसकी सही कर देनी है। हाँ, नंबर दो पर मैंने लिखा है मेकिंग योर किड्स मोर डिपेंडेंट। बच्चों को हम ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो करवाना चाहते हैं, बच्चों को ज़्यादा डिपेंडेंट हमने करवा दिया है। सुबह उठने से लेके स्कूल जाने तक, होमवर्क करने तक, स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उनको करने तक वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसका खाना तक गेट तक लेके जाते हो, उसको कोई और ज़रूरत हो वो भी उसकी इस तरीके से पूरी करें। बच्चों को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं छोड़ा जाता? बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ोगे तो खाना तो बच्चे ने अपने आप खाना है, भूख लगेगी, ये तो कुदरती है, नथिंग बट नेचुरल है। तो बच्चों को जब भूख लगेगी तो 100% बच्चों को खाना अपने आप खाएंगे। तो हम बच्चों का खाने से लेके तैयार होने तक, तैयार होने से प्रोजेक्ट तैयार करने तक, यदि हमें बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है तो हम करने की कोशिश करते हैं या मार्केट से करवाने की कोशिश करते हैं। हमने मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की करनी है, अपनी नहीं करनी दोस्तों। सो ये बच्चों को हम पिंजरे के शेर नहीं बनाना। पिंजरे के शेर का मतलब ये है कि जितनी देर शेर को पिंजरे में हम खाना देते रहेंगे, मीट देते रहेंगे, वो खाता रहेगा, गुजारा करता रहेगा, उसके बाद फिर चुप करके बैठ जाएगा, और जिस दिन उसको शिकार मार के खाना पड़ा तो वो उसमें अपनी जो ताकत है वो खो बैठेगा। सो हमने बच्चों को डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनाना है। अगली बात मैंने लिखा लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, नो लोन फैसिलिटी। इसमें भी हम करते हैं, जैसे बच्चा ग्रो अप होता है, 24-25 साल का हुआ, बच्चा कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स उसको अपने तरीके से लेके चलते हैं और ये बताते हैं कि मेरे जो उम्र भी तेरे से ज़्यादा है, तजर्बा भी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, आपके उम्र भी ज़्यादा है, तजर्बा भी ज़्यादा है, लेकिन जो नॉलेज जनरेशन गैप ने दी होती है तो वो उसको भी आपने कंसिडर करना है। बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि माँ बाप को बिना वजह परेशान नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना, लेकिन माँ बाप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बच्चा यदि कुछ करना चाहता है तो उसके ऊपर बंदिशें नहीं लगानी। हमें समाज में बताया जाता है लोन लेना पाप है, मैं कहता हूँ लोन लेना पाप नहीं है, लोन को मैनेज करके उस पैसे से ज़्यादा पैसे कमाना ये अच्छी बात है,
और लोन लेके वापस ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। सो ये इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि लोन लेना पाप नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात करनी है जो स्कूलों में नहीं करवाई जाती। यदि आप एज ए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका ये फ़र्ज बनता है बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में शिक्षा दिलाई जाए। आप दे सकते हो तो और भी अच्छा है, नहीं दे सकते तो जो भी आदमी इस YouTube के ऊपर Google के ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा है, आप वे अपने बच्चों को उनके साथ जरूर जोड़ो ताकि उनको ज़िंदगी की सच्चाई का पता लग सके। बच्चों को ना सुनने की आदत डालो। जब बच्चे हम कोई बच्चा हमें हमसे कोई चीज़ मांगता है हम ना नहीं करते, हम कहते मतलब उसके मुँह से पहले ही उसको दे देते हैं। यदि वो ना सुनने का आदि होगा तो समाज में ना को हैंडल कैसे करेगा उस बात पर उस पर डिपेंड करेगा। यदि वो ना को हैंडल करना सीख गया तो ना को हैंडल करने का वाला बंदा अपने आप में उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है। नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू ऑप्शन। आपके पास न्यू ऑप्शन क्या है? सो आपने बच्चों को ज़्यादा तरीके से अपने उसमें पंखों के नीचे नहीं रखना, उनको खुले छोड़ना है। खुले छोड़ना भी पीछे बैठ के देखना, सिर्फ सुपरवाइज करना है आपने। अगला मैंने लिखा है टेम्पटेशन फॉर जॉब। तो जब भी बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसके दिमाग में ये डालना शुरू कर देते हैं कि आप बड़े हो जाओ, ये सिक्योरिंग हाई रैंक, ये कर लो, हाई रैंक ले लो और जॉब करो, फिर सेट हो जाओ। जॉब वाला बच्चा सेट नहीं हो सकता 100%, ये कहता हूँ मैं। हाँ 70-80% सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन जो बंदा अपने तरीके की ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने तरीके की ज़िंदगी भोगना चाहता है, वो बच्चे को जॉब कभी भी उसके पैरामीटर पे पूरी नहीं उतरती। जॉब में हम लोगों के लिए काम करते हैं, जब हम लोगों के लिए काम करते हैं तो लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं करते। हाँ कोई ऑफिसर लगे, कोई बहुत बड़े हाई रैंक का ऑफिसर है कोई और है, उसको तो हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जॉब में, जॉब का मतलब JOB, जस्ट ओबे बॉस, यस सर नो सर। और इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अदर्स तो उसका जो फ़ायदा है वो अदर्स को मिलेगा, लोगों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। पाँचवा नंबर मैंने लिखा है सेटिस्फेक्शन। ये देखो तो सेटिस्फेक्शन में मैंने लिखा है कि भाई संतुष्टि की जीवन जियो, संतुष्टि अपने बच्चों को भी। यार देखो ये हम आप स्टोरियाँ सुनाते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अपनी चादर देख के पैर पसारो, हमें संतुष्ट रहना सिखाया जाता है। हम धार्मिक जगह पे हमें ले जाके बिठाया जाता है, वो धार्मिक जो हमें परिवर्तन देने वाले हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि संतुष्टि की ज़िंदगी भर का आनंद नहीं है। भाई ठीक है, संतुष्टि की ज़िंदगी पंडालों में अच्छी लगती है, धार्मिक पंडालों में अच्छी लगती है। आपको जब ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, माँ बाप की दवाई का इंतज़ाम करना है, अपनी दवाई का इंतज़ाम करना है, अपने कुछ और खर्चों को इंतज़ाम करना है, तो फिर ये सेटिस्फेक्शन वाली जो बात है ये पीछे रह जाती है। हमें ये कहता कौन है कि आप अपने आप को संतुष्ट रखो? ये जो वहाँ प्रवचन दे रही है, वो प्रवचन देने वालों की अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो, वो कहाँ है? क्या वो खुद सेटिस्फाइड हैं? यदि वो नहीं तो फिर आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो? उनकी बैलेंस शीट, उनकी कमाई और आपकी कमाई में तो कई सौ गुना का फर्क हो सकता है। बातें बनाना और है, बातें कहना और है, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करके देखना कुछ और चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने लिखा रिस्क टेकिंग। तो हमें ये बताया जाता है कि आपने रिस्क के स्पेलिंग ही नहीं पढ़ने, रिस्क लेना ही नहीं। भाई ये कैसे हो सकता है रिस्क नहीं लोगे? रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन, हमेशा लेना है। यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे और रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे तो जो ये जो रिस्क है RIS के रिस्क बन जाता है रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज। नॉलेज के बाद फिर रॉयल इनकम सोर्स देता है आपको ये। यदि आपको रिस्क लेने की आदि नहीं हो तो रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन। जो कैलकुलेटेड रिस्क हैं वो जरूर लेने चाहिए। बच्चा कुएं बोरवेल में गिर गया, बच्चे को निकालना है, बच्चे की लाइफ के ऊपर हम रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क है। उसको हमें बच्चे को बोरवेल में मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते ना। तो यदि हम बच्चे को वहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते तो हमें कैलकुलेशन के साथ वहाँ एक उसके गड्ढे के पास और गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोद के हम बच्चे को निकालते हैं, बहुत बार बच्चा जीवित निकल जाता है, कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये कैलकुलेटर रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे।
और कोई भी रिस्क ना लेना ज़िंदगी में, यह सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। रिस्क लेना ज़रूरी है। जितना आप रिस्क लोगे, रिस्क मैनेज करोगे, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी। उसके बाद हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। ये पुरानी बातें कि जो आदमी हार्ड वर्क करता है वो आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, कामयाब होता है। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आपने शारीरिक काम नहीं हार्ड वर्क करना। पहले से और पहले और आज के समय में बहुत फ़र्क है। पहले हमारे पास मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कई और चीज़ें नहीं थी, तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता था। जैसे पुराने ज़माने की बात करें, लकड़ी ढोनी है, किसी ने अब कुल्हाड़ी चलानी है, किसी ने कसी या फावड़ा जो बोलते हैं वो चलाना है, वो उसमें तो ठीक है आपकी हार्ड वर्क होती थी। आज हार्ड वर्क करने वाले मजदूर, रिक्शे वाले और कितने पैसे कमा रहे हैं आपको पता है। तो हमने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, दिमाग से भी काम लेना है। अकेला शरीर जो है वो काम यदि करता रहेगा तो आप सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करोगे। जिस आदमी का दिमाग पैसे के लिए काम करता है वो आदमी कहीं ना कहीं जाके इंडिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो आर्थिक आज़ादी उसको मिल जाती है कहीं ना कहीं जाके। और यदि आप सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए काम करोगे तो कभी भी आर्थिक आज़ादी आपको नहीं मिलने वाली। आठवां फिर मैंने लिखा है मिनिमाइज योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को मारो। ये भी पंडालों में कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को, इच्छाएँ नहीं पालनी भाई, ये बात ठीक भी है, इच्छाएँ नहीं पालनी। इच्छाएँ पालोगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा यदि आपने अपनी इच्छाएँ पूरी करनी है। मैं हर एक दिवाली पे ये मैसेज लिखता हूँ, कीप योर डिज़ायर्स बर्निंग, अपनी इच्छाओं को जगा के रखो, आग लगा के रखो, इंस्टेड ऑफ बर्निंग क्रैकर्स। पटाखे चलाओ या ना चलाओ, पटाखा चलाओ या ना चलाओ, लेकिन अपनी इच्छाओं की जो आग है इसको बुझने नहीं देना। आपके पास इच्छा नहीं होगी तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। हमें इच्छाओं को मिनिमाइज करने के लिए बताया गया कि अपनी इच्छाओं मार लो। किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि अपनी इच्छा को हमने नीड में कैसे लेके जाना है, इसको नीड में कैसे लेके जाना है। क्योंकि नीड का मतलब ये है कि कोई भी बंदे की नीड पूरी होती है, फकीर की ज़रूरत भी पूरी होती है, जो बादशाह है उसकी डिज़ायर अधूरी रह जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि डिज़ायर को अपनी ज़रूरतों में कैसे बदलें। यदि हम ये चीज़ सीख जाएंगे, डिज़ायर को ज़रूरत में बदलना सीख जाएंगे, तो हमें डेफिनेटली इस बात का फ़ायदा होने वाला है। हमने अपनी इच्छाओं को नहीं मारना, क्योंकि यदि आप इच्छाओं को मारोगे आप तो जैसी जैसी मर्जी ज़िंदगी काट लोगे। अपने बच्चों के लिए क्या करोगे? जब आपका बच्चा किसी बात से परेशान होता है, आपका कोई पेरेंट में या फैमिली मेंबर कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हो, आपके पास पैसे नहीं होते, तो वो दर्द देखने वाली बात होती है। सो हमने अपनी डिज़ायर को नहीं मारना, अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप से पैसे कमाने की कोशिश करनी, कामयाब होने की कोशिश करनी है। इच्छा ये रखनी है कि कामयाब हूँ। और यदि आप डिज़ायर को नीड में बदलोगे तो आपकी नीड पूरी होनी होनी है। जितनी भी खोजें हुई हैं नीड बेस्ड हुई हैं, कोई भी इच्छा के ऊपर खोज नहीं हुई। उसमें जरूरत, जो जरूरत जननी है किसकी? आविष्कार की जननी है। जरूरत से ही आविष्कार होते हैं। सो हमने इस बात का भी ध्यान रखा। अगला नौवां हमें कहा ड्रीम बिग। जब हम गांव में, मैं गांव में था या मेरे साथ साथी थे, कोई बड़ी बात करते थे ना, तो यार वो थोड़ा सा उनको माँ बाप थोड़ा सा लगता था कि यार कि ये बात अलग तरीके की बात कर रहा है, मतलब पागलपन वाली बात कर रहा है। यदि तो हम गांव में रह रहे हैं और 15-20 हज़ार रुपये महीने की बात करें कमाने की, तो आपको कहेंगे वाह वाह क्या बात है, बहुत लायक बच्चा है, ये लायक है। और यदि आप बड़ी बात करेंगे, मैंने कार लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो वो कहेंगे नहीं चुप करके बैठ जाओ, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? यदि आप कहोगे मैं 50 हज़ार रुपये महीना कमाऊँगा, 1 लाख रुपये महीना कमाऊँगा, तो कई बार ये बोल देते हैं समाज वाले, ये बोल देते हैं चाचे ताऊ, ये तेरे बाप ने कभी 1 लाख रुपये इकट्ठा देखा है? ये गांव में मैं जो आपका लेवल है उसके हिसाब से, कई जो लेवल के नीचे वाले उनको मैंने सुना है ये बात सुनते हुए कि क्या आपके बाप ने इतने पैसे देखे हैं, 5 लाख रुपए महीना, पागलों वाली बात है यार। ओ भाई, जो आदमी कमा रहे हैं वो आदमी भी तो कमा रहे हैं ना, यदि वो कमा सकते तो आप क्यों नहीं कमा सकते यार? आपने अपने अंदर एक निश्चय पैदा करना है
निश्चय कर अपनी जीत करो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है। जब आपका निश्चय हो गया तो जीत पक्की होगी आपकी। सो उसके बाद फिर प्रिपेयरिंग यूथ फॉर नेक्स्ट बर्थ, यह सबसे बड़ी बात। हम अपने बच्चों को मत्था टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, मत्था टेकने वाली तरफ लेके जा रहे हैं। मत्था मारना मतलब चिंतन मंथन करने की तरफ नहीं लेके जा रहे। जो हम कल्पना में जी रहे हैं कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ये होता है, किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। हम उसके लिए तो इतना काम कर रहे हैं, चार चार पाँच पाँच घंटे संडे को। मैंने देखा मेरे पास लोग बच्चे पढ़ते थे 1990 में, वो संडे को आते ही नहीं थे, पढ़ने के लिए नहीं आते थे। मैं बुलाता था उनको भी संडे को आ जाओ, नहीं जी हमने सेवा पे जाना है। भाई सेवा पे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई बात नहीं, सेवा पे जाना है। यदि आपकी भगवान में आस्था है तो रखो, लेकिन ये नहीं कि सारा सारा दिन उसी के ऊपर हम बैठे रहें, उसी को देखते रहें कि हमारे भगवान ने ये कर देना है, वो कर देना। आप कुछ करोगे तो भगवान करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपना आप अपनी मदद करना चाहते हैं, भगवान उनकी मदद करता है। हमें ये पता, बस ये इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि यार नहीं जी ऐसे करना है, हमने रोज़ इतने इतने घंटे हमने पूजा पाठ करनी है, ये करना है, और हमने ये करना है, वो करना है। करना जो करो यार, तुम्हारी मर्जी है, कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई भी करो, अपने अपने आप को टाइम दो कि आप किसी भी बात के ऊपर अपना दिमाग लगा सको, उसका चिंतन कर सको, उसका मंथन मंथन कर सको। इसको मैं मत्था मारना बोलता हूँ। मत्था टेकने का मतलब तो सिंपल है कि आपने वहाँ सरेंडर कर दिया। हाँ ठीक है, आपका भगवान में आस्था है, जाओ मत्था टेको जरूर, मैं इस बात से वो नहीं कहता। 24 घंटे मत्था टेकते रहना ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। जब हर चीज़ का टाइम है, जब आपका पूजा पाठ का टाइम है, थोड़ी बहुत जितनी पूजा पाठ करनी कर लो, उसके बाद आप अपने दिमाग को जरूर खोलो। सामने वाला बंदा आपको क्या कह रहा है उसको सोचो यार, वो हो सकता है आपको यूज़ करना चाहता हो। मैंने ये 18-19 साल की उम्र में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जो सामने वाला बंदा आपके फेवर की कई बार बात करता है, कई बार दूसरे, वो उसको चेक करना है यार, कहीं हमें ये यूज़ करने के चक्कर में तो नहीं, इस्तेमाल तो नहीं कर देगा हमारा ये। हमने हर एंगल से देखना। अभी भी मेरे पास कोई टेलीफोन आता है, कुछ और आता है, कई बार फ्रॉड वाले टेलीफोन भी आ जाते हैं, तो हम टेलीफोन के ऊपर ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं भी ये बंदा मेरे को अनड्यू फेवर क्यों दे रहा है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मैंने इसीलिए लिखा है, ये 10 पॉइंट लिखे थे, माँ बाप और समाज बच्चों के पतन का कारण, क्योंकि बच्चों को एक अलग तरीके का माहौल चाहिए जिसमें वो आगे निकलना है उन्हें। तो बच्चों के लिए माहौल तैयार करो, उनके लिए अलाइनमेंट तैयार करो, रोड मैप बना के दो उनको, फिर चलने दो जैसे बच्चा करना चाहता है। बच्चे की मर्जी भी हो, ये नहीं कि अपनी मर्जी थोपनी है। कई पेरेंट्स सख्त होते हैं बहुत ज़्यादा, डंडे से मना लेते हैं बच्चों को, ये भी नहीं काम करना। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा नलायक हो ठीक है, उसके साथ सख्ती कर सकते हो। यदि बच्चा अपने आप तरीके से ठीक चलने वाला तो उसको सख्ती भी करने की ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी में नोट किए चीज़ें वो ही आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। सो ये 10 पॉइंट है, मेरा प्रयास ये है कि आप 10 पॉइंटों को बहुत गौर से सुनो, जितना भी इसके ऊपर अमल कर सकते हो अमल करो, कम पॉइंटों पर अमल कर सकते हो उन पर भी कर लो, जितना भी ज़्यादा कर लोगे उतना आपका फायदा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। अभी चैनल पर नए हो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके सामने आपका दोस्त राजवंत सिंह मोहाली हाजिर होगा।